सभी प्यार से एक बार बोलेंगे ओम शांति। अब उसको अर्थ सहित बोलेंगे, क्योंकि ओम शांति ये शब्द तो हमने बहुत बार सुना है और कई बार हम कहते भी हैं ओम शांति शांति शांति, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ओम अर्थात अहम आत्मा और शांति। तो जब हम कहते हैं ओम शांति तो उसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इस शब्द के अर्थ को महसूस करते हुए फिर से एक बार कहेंगे ओम शांति। अब हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। मुझे पता है आपके आसपास स्क्रीन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो स्क्रीन की तरफ न देखें। हम सब एक डायरेक्शन में अगर देखेंगे ना ऐसे इस तरह, तो हम सब की एनर्जी, वो वाइब्रेशन एक बहुत एकाग्रता वाली शक्ति यहाँ बन जाएगी। देखना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सबको आज इकट्ठे मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना है जो सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ हमारे इस प्यारे से शहर में नहीं, लेकिन यहाँ से वो ऊर्जा चारों तरफ देश और विश्व में फैल जाए। इसलिए स्क्रीन को नहीं, सीधा होकर बैठते हैं और आप सब बैठ जाएंगे। सीधा होकर बैठें सभी और ध्यान को यहाँ लेकर आए, जहाँ हम सब तिलक लगाते हैं ब्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। वो तिलक भी हमें इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमें स्मृति दिलाई जाए कि सारा दिन में हमें शरीर, रिश्ते, रोल और पोजीशन, इस सब को ही मैं समझते हैं और जो मैं है उसको भूल जाते हैं। तो जब हमें यहाँ तिलक लगाया जाता है तो वो हमें स्मृति दिलाने के लिए है कि जो सब कुछ को हम मैं समझते हैं वो मेरा है और मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा। तो जस्ट विजुअलाइज करें बहुत धीरे से, जैसे कि यहाँ ब्रिकुटी के बीच एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। देखें उसको, बुद्धि के नेत्र से देखें उसको कि छोटा सा सितारा एनर्जी ब्रिकुटी के बीच चमक रही है। ये शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, ये शक्ति मैं आत्मा हूं। फील करें इसको कि ये शरीर मैंने पहना हुआ है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। वो शक्ति जो सोचती है, जो इस मुख द्वारा बोलती है, मैं वो शक्ति हूं जो हर निर्णय लेती है, मैं वो शक्ति हूं जो इस शरीर द्वारा
हर कर्म करती है। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। फील करें, अपनी पर्सनालिटी को फील करें, अपने नेचर को, व्यक्तित्व को फील करें। कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, निस्वार्थ, निश्चिंत, निडर, सदा सुखी रहने वाली, खुश रहकर चारों तरफ खुशी फैलाने वाली, सबको प्यार और सम्मान देकर हर कर्म में दुआएं कमाने वाली, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता जो आता ही है दूसरों को सुख देने के लिए, हर कर्म में पुण्य कमाने वाला, सबको दुआएं देने वाला और सब में दुआएं कमाने वाला, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। देखें अपने आप को कल सारा दिन, सुबह परिवार के साथ, सारा दिन काम कारोबार, अनेक लोग मिलेंगे कल सारा दिन, अनेक बातें आएंगी, कुछ बातें हमारे अनुसार होंगी, कुछ बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी, कुछ लोगों का व्यवहार हमारे अनुसार होगा, कुछ लोगों का व्यवहार बिल्कुल विपरीत होगा। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं फरिश्ता हूँ। देखें अपने आप को सबके बीच, मैं फरिश्ता हूँ, सबको समझने वाला, सबको शक्ति देने वाला, मैं फरिश्ता हूँ। बोलिए इस संकल्प को अपने मन में अच्छे से, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आप सब इकट्ठे बोलते हैं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। बोलिए एक बार सभी। अभी फीलिंग में आई, फिर से एक बार बोलते हैं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सबको सुख देने वाला, बोलिए अच्छे से, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है आपके मनचित पर, और जो आज आप रिकॉर्ड करेंगे वो आप कल कर्म में लेकर आएंगे। मैं सबको सुख देने वाला,
बोलिए, मैं सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला, मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति। कौन कौन चाहता है फरिश्ता बनना? हाथ उठाए, जरा देखें तो इस प्यारे से शहर में कितने फरिश्ते हैं। हाँ, अगर हम फरिश्ता बन जाते हैं तो हमें खुशियाँ चाहिए नहीं होंगी, हम खुशियों से इतने भरपूर होंगे कि हमारे से चारों तरफ खुशियाँ फैल रही होंगी। तो हम अभी हम टॉपिक को चेंज करते हैं, ठीक है ना। हम टॉपिक को ये नहीं रखते कि मुझे खुशी कैसे मिलने वाली है, हम टॉपिक को ये रखते हैं कि मुझसे औरों को कैसे खुशी फैलने वाली है। क्योंकि मैं तो कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। छोटी छोटी चेकिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि सारा दिन में फरिश्ता होगा कैसे। कल आज दिन तक हम एक दूसरे को पूछते आए, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। स्कूल में बच्चा होता है, कॉलेज में होता है, तो हम उसको पूछते हैं आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो वो कहता है अभी सोचा नहीं। कहते सोचो तो सही, आपको बड़े होकर बनना क्या है। तो कोई कहेगा मुझे डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई बिजनेसमैन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको बननी है और हम बन चुके हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब हम कहते हैं मुझे ये बनना है तो हम सिर्फ अपने रोल की बात कर रहे हैं कि ये मेरा रोल है। फिर रिश्तों में भी हमारे अलग अलग रोल होते हैं। पहले हम किसी का बच्चा होते हैं, फिर हम किसी के माता पिता बन जाते हैं, फिर कल हम किसी के दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं। ये भी अलग अलग रोल है। तो एक है जो हम करते हैं उसका रोल, एक है जो रिश्ता हम निभाते हैं उसका रोल। लेकिन ये सारे रोल निभाने वाला, ये सारे रोल निभाने वाला मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा हर रोल होगा। तो अगर मैं किसी का माता पिता हूँ तो अब उसको कंप्लीट लाइन करते हैं कि मैं सिर्फ माता पिता नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ जो माता पिता है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सेवाधारी हूँ शहर का, तो मैं सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सेवाधारी, नेता नहीं, अभिनेता नहीं, मैं फरिश्ता हूँ जो सेवा करता हूँ। तो मैं फरिश्ता हूँ और ये मेरा रोल है। क्योंकि हम दो चीज़ें हैं, हम सोल हैं और सोल इस शरीर के थ्रू कर्म करती है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसको करते हुए क्या हम सारा दिन फरिश्ता स्थिति में रह सकते हैं? रह सकते हैं? यस, बनना तो है, लेकिन पहली बात तो अपने आप से पूछना पड़ेगा कि सारा दिन जो जो आपको कल मिलने वाले हैं उनके साथ आप फरिश्ता बनकर रह सकते हैं? कौन कौन रेडी है कि हम रह सकते हैं? सबको देख लेना कल किस किस को मिलना है आपने, फिर बाद में कल सुबह ये बोलना अलाउड नहीं है, हाँ मैंने सोचा तो था मुझे फरिश्ता बनना पड़े, देखो कैसे कर रहे, इनके साथ कौन फरिश्ता बन सकता है बताओ। फिर सारी बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। फरिश्ता अर्थात क्या? फरिश्ता अर्थात वो जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरा कैसा है। क्योंकि फरिश्ता किसी से कुछ लेने नहीं जाता है, फरिश्ता सबको, फरिश्ता किसी से लेने नहीं जाता है, फरिश्ता सबको देने जाता है। ये कलयुग कलयुग क्यों बना है? क्योंकि हम सबसे लेने की डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। आप मेरे अनुसार होने चाहिए, आप मेरा कहना मानना चाहिए, आपसे मुझे सम्मान मिलना चाहिए, आपको मुझे समझना चाहिए। तो हाथ की डायरेक्शन कैसी हो गई है? बुद्धि रूपी हाथ की साड़ी ऐसे हो गई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम जिनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, उनका हाथ भी किस तरफ है? उनका हाथ किस तरफ है? हम ऐसे हैं और वो भी कैसे हैं?
वो भी ऐसे हैं। तो आप देखो, एक जना ऐसा है, दूसरा भी वैसा है, तो देने वाला कौन? और इसीलिए जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट करके भी नहीं मिलता, तो कभी रूठ जाते हैं, कभी रूस जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो कभी उदास हो जाते हैं। और फिर अपने आप से पूछते हैं, क्या रिश्ते में इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए? आते हैं कि नहीं थॉट के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो रिश्तों में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपने आंसर देना, मैंने नहीं देना। रिश्तों में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छे से बोलो। आपका जो भी आप बोल रहे हो ना, इधर से नेशनल टेलीविजन पर जा रहा है और आपकी फैमिली भी सुनने वाली है। रिश्तों में एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रिश्तों में एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिश्तों में एक्सपेक्टेशन रखना मतलब मैं जैसा चाहूँ आपको वैसा होना चाहिए। और बचपन से हम ये सीखते आए, एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए, भाई को ऐसा होना चाहिए, बहन को ऐसा होना चाहिए, पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, माता पिता को ऐसा होना चाहिए। ये सब एक रूल बुक है और बहुत सही है वो, कि आज्ञाकारी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, विश्वास का पात्र होना चाहिए, कल्याण के भावना रखने वाला होना चाहिए, वो सब कुछ सही है। लेकिन जब को हमको सबको वो पता है कि हमें क्या होना चाहिए, फिर भी वो हम हो नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ों में बन पाते हैं हम वैसे, कुछ चीज़ों में नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने भी वो बनाई है चीज़ कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसने हमें बताया है कि आइडियल हमें कैसे होना चाहिए। विच मीन्स, अगर मैं आत्मा परफेक्ट हूँ तो मैं ऐसी होंगी, आज्ञाकारी, वफादार, विश्वास पात्र, हाँ जी करने वाली, चुप रहने वाली, सहन करने वाली, एडजस्ट करने वाली, झुकने वाली, पूरी लिस्ट है। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए है, और वो शक्ति यहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर वो शक्ति थोड़ी सी घट जाती है, तो चुप रहने की जगह मैं जोर से शोर मचा देती हूँ, झुकने की जगह मैं अकड़ कर खड़ी हो जाती हूँ, सहन करने की जगह मैं सामना करने लगती हूँ, और एडजस्ट करने की जगह मैं विरोध करने लगती हूँ। तो बनना तो कुछ और था, लेकिन बन जाती हूँ कुछ और। क्यों? क्योंकि जो रोल है वो नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ जो उस रोल को प्ले कर रही हूँ। तो जीवन भर हमें ये सिखाया कि रोल को कैसे प्ले करना है, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, ताकि हम उस रोल को विधिपूर्वक प्ले कर सकें। अब इसको विजुअलाइज करना, सब सामने अपने परिवार के सदस्यों को सामने लेकर आओ, यहाँ पर मन पर। हर घर में 4, 5, 6 लोग होंगे, उनको सबको सामने लेकर आओ। ले आए सब सामने? हाँ। अब इनको सिर्फ रिश्ता 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 नहीं देखना, लेकिन ये देखना, इस रिश्ते को निभाने वाली ये भी आत्मा है, इस रिश्ते को निभाने वाली ये भी आत्मा है, इस रिश्ते को निभाने वाली ये भी आत्मा है, वो जो छोटा सा बच्चा उधर बैठा है, वो छोटा सा बच्चा नहीं, वो भी आत्मा है। और जैसे ही हमें याद रहेगा कि ये आत्मा है, तो हमें याद रहेगा कि हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, और आज ये यहाँ फिट करना है, ताकि फिर हर एक को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और हमारी किसी से टक्कर नहीं होगी फिर सारा दिन। जैसे हमारे फ़ोन पर अलग अलग फोल्डर होते हैं, हमारे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अलग अलग फोल्डर होते हैं, और उसमें अलग अलग फाइल्स होती हैं, होती है ना, अलग अलग फाइल्स, अलग अलग फोल्डर, अलग अलग फाइल्स होती हैं। इसी तरह आत्मा ये एक सीडी की तरह है, इसको विजुअलाइज करें। हाँ, मैं आत्मा एक सीडी है, इसमें 5 फोल्डर हैं। अब ड्रॉ कर लें फटाफट 5 फोल्डर उधर, और अब हम उसमें अलग अलग फाइल्स को चेक करने वाले हैं।
क्लियर हो गया सबको? पीछे पांच फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, मैं आत्मा सीडी हूँ और इसमें पांच फोल्डर हैं। ये पांच फोल्डर मेरे संस्कार हैं। सबसे पहला फोल्डर जिसमें सबसे ज़्यादा संस्कार होते हैं, वो जो सबसे पहला फोल्डर होता है उसमें जो संस्कार होते हैं वो होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूँ, एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये शरीर यहाँ का यहाँ रह जाएगा, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, माँ के गर्भ में प्रवेश करूँगी और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा। दुनिया कहती है खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, और जब भी हम किसी अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे रह गया। क्या हम खाली हाथ जाएंगे? क्या हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे? यस, हाँ या ना, हम खाली हाथ जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे? अभी अभी पिछले 2-3 सालों में हम में से हर एक किसी न किसी को जानता है जिसने अपने देह का त्याग किया और आगे की चर्टी पर चले। कौन कौन किसी न किसी एक को जानते हैं जिन्होंने पिछले इस 3 साल के अंदर अपने पुराने देह को त्याग करके आगे की यात्रा पर गए? हाथ उठाइए जरा। हर एक जानता है ना? तो उससे सीख लेना चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। समय वो चल रहा है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसको फील करना यहाँ पर कि अचानक। आज सुबह ही मैं एयरपोर्ट पे थी तो एक बहन ने कहा कि उनके जो फ्रेंड थे तो उन्होंने कहा वो बस वॉशरूम में गए और बाहर वापस ही नहीं आए। और आयु कितनी? 34 साल, 34। हुआ क्या? बस गए, नहाने गए थे, कोलैप्स हो गए, वापस नहीं आए। बार बार जब हम ऐसी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं जो पिछले इस 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जीवन बहुत अनसर्टेन है, समय नहीं मिलता है। एक सेकेंड में इस टाइम सब ठीक था और एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ सकती हूँ। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हम भी शरीर छोड़ेंगे कभी। क्या हम में से कोई कोई शरीर छोड़ेगा कभी ना कभी? हम सब छोड़ेंगे? किस किस को लगता है हम सब छोड़ेंगे शरीर कभी? हाथ उठाना, अच्छे से हाथ उठाओ, याद रहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना। और अब तो हम उस समय से चल रहे हैं, पहले अलग था, सर्टन था समय, निश्चित समय चलता था कि हाँ जब इतनी आयु हो जाती है, शरीर में कोई रोग आता है, हाँ तब वो, अब वो समय गया। अब काल का कोई भरोसा नहीं है, जिसको कहा जाता है अकाले। अकाले अर्थात मैं आत्मा कभी भी किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूँ। आप में से किस किस ने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई हुई है अपने परिवार के लिए? मतलब पता है ना हम जाएंगे एक दिन, इसीलिए तो बनवा कर रखते हैं। जब हम पॉलिसी बनवाते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं हमने अभी थोड़ी जाना है, क्यों हम इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा रहे हैं? हम कहते हैं कभी भी जा सकते हैं, मेरे पीछे सब कुछ ठीक चलना चाहिए, तो हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। हम इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए बनाते हैं जो हम पीछे जिनको छोड़ कर जाएंगे, लेकिन उतना ही स्मृति ये भी रखनी चाहिए कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा। पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो वो तो बहुत अच्छी भावना है, लेकिन मुझे जब आगे जाना है तो मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम ना जाए, ये भी याद रखना है। आज सारा दिन में किस किस की, किसी न किसी के साथ छोटी या बड़ी टक्कर हुई आज सारा दिन में? हाथ उठाओ जरा। ओहो, ऐसे तो हो नहीं सकता किसी की भी कोई टक्कर नहीं हुई आज सारा दिन में।
टक्कर मतलब ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज़ोर से लड़ाई होनी होती है, टक्कर मतलब कोई मतभेद, टक्कर मतलब थोड़ा ज़ोर से कुछ बोल देना, टक्कर मतलब थोड़ा इरिटेट हो जाना, टक्कर मतलब थोड़ा सा नाराज़ हो जाना। अब ज़रा हाथ उठाना, स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, इधर देखकर हाथ उठाना। हाँ, अब सोचो, अब इसको चेक करना, ठीक है? बात हुई, मुझे कुछ फील हुआ, मैंने फिर शब्दों में भी बोल दिया, मेरे व्यवहार में भी वो आ गया और वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। हर चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। अगर सपोज हो भी सकता है, अगर सपोज मैं आत्मा आज शाम को शरीर छोड़ती हूँ, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे, जिनके साथ मेरी टक्कर हुई थी वो तो नहीं जाएंगे, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। जो हमारी बात हुई, झगड़ा हुआ, वो बात और परिस्थिति भी मेरे साथ नहीं जाएगी। लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा, आपने बताना है क्या जाएगा, अच्छे से बोलो क्या जाएगा। मैंने उस टाइम कैसा सोचा, मैंने अंदर क्या 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 उनके बारे में बोला, ऐसे करते जब देखो ये करते वैसे करते, कितना भी करो यही मिलता है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई बस करते जाओ इनके लिए, ये आके कुछ सब हमने जो बोला 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 उस समय, वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड तो हमने कर लिया, उसको मिटाया भी नहीं उसके बाद, और एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ना वो जाएंगे, ना बात जाएगी, ना वो परिवार, ना वो घर जाएगा, लेकिन मैंने उस परिस्थिति में जो रिकॉर्डिंग यहाँ कर ली वो मेरे साथ जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग परमानेंट है। इसीलिए इस गलत फहमी को ख़त्म करते हैं कि हम खाली हाथ जाते हैं और हर बच्चा खाली हाथ आता है। खाली हाथ अर्थात जो इन आँखों से दिखाई देता है, ना वो हम अपने साथ लेकर जाते हैं, ना वो एक बच्चा साथ लेकर आता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो हम साथ लेकर भी जाते हैं और फिर अपने साथ लेकर भी आते हैं, और वो है हमारे संस्कार और कर्म। किस किस को ये अनुभव है कि आपके बच्चे आपके संस्कारों से थोड़े अलग हैं? किसको ऐसा लगता है मेरे बच्चे थोड़े से मेरे से अलग हैं संस्कारों में? अच्छा, और किस किस के एक से ज़्यादा, मतलब दो या तीन बच्चे, और आपको लगता है आपके दो बच्चे एक दूसरे से अलग हैं? तो इस पे थोड़ी चेकिंग होनी चाहिए ना, कि हम एक ही परिवार हैं, जन्मते ही पहले क्षण से वो बच्चा मेरे साथ है, वो दोनों बच्चे एक ही घर में पले बड़े हुए हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही माहौल है, वातावरण है, परवरिश है, फिर हम सब एक जैसे क्यों नहीं हैं? क्योंकि सिर्फ हमारा प्रेजेंट सब कुछ एक जैसा है, लेकिन वो जो आपके घर दो बच्चे आए हैं, वो दो बच्चे एक अलग अलग पास्ट से आए हैं। ये हर समय याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बोलते ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे कैसे करता है, ये ऐसे क्यों करता है। ये करना अर्थात अज्ञान, हमें ये नहीं पता कि ये आत्मा है, अलग संस्कार लेकर आए हैं, इसलिए ये ऐसे करते हैं, समझ, और फिर उसको दूसरे के साथ कंपेयर करना। करते ना, अपनी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है, अपने भाई को देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, उसके संस्कार अलग है, मेरे अलग हैं, लेकिन हम लोगों को कंपेयर करते रहते हैं। हम बच्चों को एक दूसरे के साथ भी नहीं कंपेयर करते, हम तो पड़ोसियों के साथ भी कंपेयर करते हैं, उसके बच्चा देखो कितना अच्छा करता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, और इसलिए मुझे याद नहीं है कि वो कौन है, और जब याद नहीं होता तो टकराव होते हैं, तो टकराव होते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर, इसको पक्का करना, सबसे पहला फोल्डर पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो पहले एक मिनट साइलेंस में बैठो अभी,
और जो आज सारा दिन की टक्कर हुई थी उसको साफ करो, ताकि वो नहीं जाएगी हमारे साथ। साफ करो उसको, जो रिकॉर्डिंग हो गई उसको साफ करो। बोलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई बात नहीं थी, वो अपने नज़रिए से राइट थे, मैंने ऐसे ही ज़्यादा बोल दिया, मैं उनको क्षमा करती हूँ। साफ करो, आत्मा पे लगे हुए दाग को साफ करो। मैं उनको क्षमा करती हूँ और वो बात को मैं मन बुद्धि से भूल जाती हूँ। फुल स्टॉप, फिनिश्ड। स्वाहा करो उस बात को। ठीक है, इजी इजी। अगर हमारे कपड़ों पे एक छोटा सा दाग लग जाता है, हम उसी टाइम साफ करते हैं। हमारे सोफे पर, कारपेट पर थोड़ा सा दाग लग जाता है, हम उसको साफ करते हैं। हमारी गाड़ी, स्कूटर पर कोई मिट्टी होती है, हम उसको साफ करते हैं। हमारे घर के फर्नीचर पे कोई दाग होता है, हम रोज़ उसकी डस्टिंग करते हैं। सिर्फ एक जगह है जहाँ हम साफ नहीं करते हैं, हम शरीर को भी रोज़ साफ करते हैं। मतलब इन आँखों से जो दिखाई देता है उस चीज़ को हम रोज़ साफ करते हैं, और हम बहुत प्राउडली कहते हैं मैं बहुत सफाई पसंद हूँ, आई लाइक एवरीथिंग टू बी नीट क्लीन। आप में से कौन कौन सफाई पसंद है? अच्छा, सारे सफाई पसंद है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब बस वो सारी चीज़ें जो आपको साफ अच्छी लगती हैं, उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। क्या साफ होना चाहिए, क्या साफ होना चाहिए? ये। लेकिन यहाँ के लिए हम ऑपोजिट बोलते हैं। जब कोई कुछ करता है, हमें बुरा लगता है, यहाँ पर दाग पड़ता है, फिर हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जैसे ही हम बोलते हैं इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, हम ये बोल रहे हैं मैंने इस दाग को ऐसे ही पकड़ के रखना है उधर। और जितना समय बीतता जाता है, वो दाग क्या होता जाता है? और पक्का 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 गहरा होता जाता है। और जितना दाग गहरा होता जाता है, तो जो ओरिजिनल कलर है वो क्या होता जाएगा? आज ये वाइट टेबल क्लॉथ है, यहाँ एकदम साफ है क्योंकि धुला हुआ आया है ना, लेकिन इस पे अभी चाय गिर गई है। देखने के लिए कि जब कोई परिस्थिति आती है तो हम कितने दाग लगाते हैं उतनी देर में। जैसे ही लाइट गई, ताली बाद में बताएंगे, पहले चेक तो करें कितने दाग लगे थे उतनी देर में। हमारी जीवन में परिस्थिति आती है, परिस्थिति चली जाती है। कोई परिस्थिति इस लाइट की तरह होती है, आधे मिनट के लिए चली गई, आधे मिनट में सब रोशनी आ गई, ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन उस आधे मिनट में भी यहाँ पर क्या क्या चला, एकदम साक्षी होकर चेक करना। आधा मिनट था सिर्फ,
उस आधे मिनट में कितने संकल्प चले, क्या क्या संकल्प चले, क्या कौन कौन उस आधे मिनट में घर जाके आ गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ चल नहीं रहा तो घर के बारे में सोच कर आ जाते हैं, कोई उस आधे मिनट में कल ऑफिस जाकर आ गया कि कल ये करना है, किसी ने उस आधे मिनट में सोचा कि बड़ा एक महीने से तैयारी कर रहे थे और लाइट ही चली गई, ये कौन सी तैयारी होती है भाई, बड़ा बोल रहे थे हम तो एक महीने से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, वाला तो एक आधे मिनट में मैंने यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड किया, देखा कितनी रिकॉर्डिंग होती है सूक्ष्म। ऐसे सारा दिन में हर रोज के 24 घंटे और मेरी ये पूरी आयु अब तक की इस शरीर के अंदर 20 साल 50 साल 80 साल कितनी रिकॉर्डिंग हुई होगी जब आधे मिनट में इतनी रिकॉर्डिंग हो गई, और फिर इतनी सारी जो यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है वो हम बिना चेक के रिकॉर्ड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और फिर एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती हो रिकॉर्डिंग साथ जाती है, मेरा हर कर्म और संस्कार साथ जाता है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी जन्म पत्री बनाते हैं। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री अपने? अच्छा, ऑलमोस्ट सबके पास है। आपने कभी सोचा नहीं जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन जन्म पत्री बन गई, कोई कर्म तो किया भी नहीं था अभी तक मैंने, कोई कर्म भी नहीं किया और पहले दिन पंडित जी ने बताया ये होगा ये होगा, बहुत अच्छा होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, मैंने कोई कर्म नहीं किया और जन्म पत्री बनी, कैसे बनी? क्योंकि जन्म पत्री बन रही है उन कर्मों और संस्कारों के आधार से जो मैं आत्मा लेकर आई हूँ। हम कहते हैं जन्म पत्री अर्थात ग्रहों का प्रभाव, लेकिन उसी क्षण उसी शहर में उसी हॉस्पिटल में उसी क्षण एक नहीं दो तीन बच्चे पैदा होते हैं, ग्रह वैसे के वैसे ही पोजीशन पे चल रहे हैं, एक ही माता पिता के एक मिनट के फर्क पर दो बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता भी एक ही हैं, पूरा जीवन परवरिश एक ही होगी, फिर भी वो दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि वो कौन से कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। तो हमारी जो सारा दिन ये रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर, ये सिर्फ इस जन्म का भाग्य नहीं बनाती, ये तो हमारे अगले 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 हर जन्म का भाग्य बनाती है। तो आपको नहीं लगता इसको थोड़ा साफ रखना चाहिए? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? टाइम नहीं मिलेगा साफ करने के लिए, टाइम नहीं मिलेगा साफ करने के लिए, मैं आत्मा अचानक शरीर छोड़ूंगी, इसलिए आज से हमारा पहला होमवर्क अटेंशन। बातें आएंगी, एक छोटी सी बात आएगी कि लाइट चली गई, थोड़ी बड़ी बात आएगी शरीर में कोई रोग हो गया, सब ठीक ठाक था, आज टेस्ट करवाया कोई बड़ी सी बीमारी निकल आ गई, सब कुछ ठीक चल रहा था रिश्ते में किसी ने धोखा दे दिया, बात आएगी, सब बिजनेस काम में ठीक चल रहा था किसी की नौकरी छूट गई, किसी के व्यापार में प्रॉब्लम आ गई, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और मेरे परिवार के किसी सदस्य ने शरीर छोड़कर आगे चले गए। बातें बातें बातें, चाहे वो एक छोटी सी बात है चाहे वो जीवन की इतनी बड़ी बात है, लेकिन हर परिस्थिति जब आती है तो मैं आत्मा यहाँ एक रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं कैसा सोचती हूँ, मैं उस समय क्या बोलती हूँ, मैं कैसा व्यवहार करती हूँ, वो यहाँ रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगी कि मेरे जीवन की ये यात्रा सुखद चल रही है या परेशानी चिंता तनाव और गुस्से में चल रही है। परिस्थिति नहीं डिसाइड करती। जब हम एक दूसरे से पूछते हैं क्या हाल चाल है,
तो लोग कहते क्या करें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोविड था, कोविड के बाद। उन्होंने ये नहीं पूछा आपके जीवन में क्या हो रहा है, उन्होंने आपसे पूछा आपका क्या हालचाल है। लेकिन हमें लगता है जैसी परिस्थितियां वैसे ही हमारा हालचाल होगा। हमारा हालचाल परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर कुछ भी ठीक ना चल रहा हो और हम यहाँ ठीक हों? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? अच्छा, क्या ये हो सकता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो फिर भी यहाँ परेशान है? कभी मिले आप ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके जीवन में सब ठीक चल रहा है? बताओ, कौन कौन जानता है ऐसे किसी व्यक्ति को? उसके जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी वो ऐसा वैसा। हम कहते हैं क्या, कभी तो खुश रहा करो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन उनको कुछ ना कुछ शिकायत करने के लिए मिल जाता है, उनको कुछ ना कुछ परेशान होने के लिए मिल जाता है। और जिस दिन उनको कुछ भी परेशान होने के लिए नहीं मिलता, वो बैठकर कोई पुरानी फाइल खोल देते हैं, उस दिन ऐसा हुआ था, और परेशान हो जाते हैं। क्यों? संस्कार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब आप देखना, अगर आप जानते हैं किसी को 100 बुखार है लेकिन हाय हाय बोते हैं, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। कोई आपको मिलेगा, उसको पूछो कैसे हो आप? जी क्या बताऊँ, अभी तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है, अभी तो इतना भी दर्द हो रहा है, अभी तो उतना भी दर्द हो रहा है। हाय हाय ज़्यादा करते हैं जीवन में। हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग। तो इसका मतलब अगर सब ठीक चल रहा है तो भी हाय हाय कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो भी वाह वाह कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो वाह वाह कर सकते हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी हाय हाय कर सकते हैं। इसको क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ का, इस आंतरिक जगत का, इस बाह्य जगत की परिस्थितियों का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई होगा जो 100 बुखार में भी हाय हाय करता है, और कोई होगा जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा पता नहीं कितना समय है, लेकिन आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा इनके जितना खुश तो हम कोई भी नहीं है। क्योंकि परिस्थिति पर मन की स्थिति निर्भर नहीं होती है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रहते हैं। अपने दोनों हाथ आगे कीजिए, ऐसा, लेफ्ट एंड राइट। अभी लेफ्ट हैंड पे अपने जीवन की कोई भी एक परिस्थिति रख दीजिए, बताने नहीं है किसी को, बस आप रख दीजिए उसको, रख दी। और राइट हैंड पे अपने मन की स्थिति को पकड़िए। लेफ्ट हैंड परिस्थिति, राइट हैंड मेरे मन की स्थिति। चाहे वो छोटी सी बात हो जो आज हुई थी दिन में, ये परिस्थिति थी, ये मेरे मन की स्थिति थी। अब पहली बात तो ये चेक करें कि इन दोनों में से मेरा कंट्रोल कौन से हाथ पर है, परिस्थिति वाले हाथ पर या मेरे मन की स्थिति वाले हाथ पर? कौन सा हाथ मेरे कंट्रोल में है, लेफ्ट या राइट? किसने बोला? बोलो बोलो बोलो। कितने साल के हो आप? कितने साल का वो बच्चा? 5। देखो, उसकी मम्मी ने नहीं आंसर बताया, उसने इमिजिएटली आंसर दिया। वो 5 साल का बच्चा है, इतना सहज है जीवन। कौन सा हाथ हमारे कंट्रोल में है, लेफ्ट या राइट? अच्छे से बोलो। उसने, उसकी एक की आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी, आप सबकी आवाज़ मिलके नहीं आ रही। लेफ्ट या राइट, कौन सा हाथ हमारे कंट्रोल में? राइट। अब अपने आप से पूछो, सारा दिन में कौन से हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हो? लेफ्ट। और लेफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते ये भूल ही जाती हूँ कि राइट मेरे कंट्रोल में है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस समय राइट भी मेरे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो लेफ्ट भी मेरे कंट्रोल में नहीं, राइट भी मेरे कंट्रोल में नहीं, तो लाइफ ही मेरे कंट्रोल में नहीं, और इसीलिए परेशान होते हैं। दोनों में से एक मेरे कंट्रोल में चाहिए, दोनों में से एक
मेरे कंट्रोल में चाहिए। चाहे इस लेफ्ट पर आप किसी रिश्ते को रखिए, आप अपने बच्चे को रख दीजिए अपने लेफ्ट पर, वो आपका कहना नहीं मान रहा, आप उसको कह रहे हैं ये करो, वो कुछ और कर रहा है, आप बार बार उसको बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो कर रहा है, आपकी इतनी राय देने के बाद भी वो आपकी राय नहीं मान रहा है, आपका बच्चा भी आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट बात है, राइट बात है। वो आपकी कुछ राय मानेंगे, कुछ राय नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आत्मा है, वो अपने संस्कारों से चलेंगे। तो हमारा बच्चा भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कोई और तो क्या हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन एक ही चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन। तो आज से अपने लेफ्ट और राइट इनका कनेक्शन देखना शुरू कीजिए। अब दूसरी चीज़ चेक करना, और ये इक्वेशन बहुत ध्यान से आंसर करनी है। लेफ्ट पे परिस्थिति है, राइट पर मन की स्थिति है। अब बताना कि लेफ्ट हैंड का प्रभाव राइट हैंड पर पड़ता है, मतलब परिस्थिति का प्रभाव मन की स्थिति पर पड़ता है, या राइट हैंड का प्रभाव लेफ्ट पर पड़ता है कि मन की स्थिति से परिस्थिति बनती है। किसका किस पर प्रभाव है, बात का हम पर या हमारा बात पर? आंसर आपने देना है, बात का मन पर असर पड़ता है या मन का बात पर असर पड़ता है? अच्छा, बात का मन पर। हाँ, हर आंसर करेक्ट है। किस किस को लगता है बात का मन पर असर पड़ता है? अच्छे से हाथ उठाओ, वेरी गुड। और किस किस को लगता है मन का बात पर असर पड़ता है? ओके। और किस किस को लगता है दोनों होता है, बात का मन पर और मन का बात पर? फिर से चांस मिलता है, अच्छे से सोच के हाथ उठाना। बात का मन पर, वो कहाँ चले गए सारे हाथ? बात का मन पर, मन का बात पर, बात का मन और मन का बात दोनों पर। ओके, अभी चेक करते हैं किसका किस पर असर पड़ता है। अपने जीवन की कोई भी बात सामने लेकर आना। चलो छोटी सिंपल बात लेते हैं, शरीर में दर्द है, शरीर ठीक नहीं है, ठीक है। अब शरीर जब ठीक नहीं होता है, छोटी या बड़ी बीमारी है, दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि मैं पाँव यहाँ से उठाकर यहाँ भी नहीं रख पा रही हूँ, अभी इतना दर्द है। अब बताना, शरीर का मन पर असर पड़ता है या मन का शरीर पर असर पड़ता है? ये बात है ना, शरीर का रोग बात है, शरीर का मन पर असर पड़ता है या मन का शरीर पर असर पड़ता है? शरीर का मन पर या मन का शरीर पर? शरीर का मन पर या मन का शरीर पर? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहली चीज आपको करेगा, कहेगा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे टेंशन न लें, तो डॉक्टर कहेगा अगर टेंशन ली तो वो बीमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर आप तब उस टाइम डॉक्टर को बोलते नहीं कि डॉक्टर मन का मेरे शरीर पर नहीं, मेरे शरीर की वजह से मुझे टेंशन हुई हुई है। तो डॉक्टर कहेगा शरीर की वजह से आपको टेंशन नहीं हुई है, आपके टेंशन की वजह से शरीर बीमार है। हर डॉक्टर आज हमें समझा रहा है कि बीमारियां हमारी यहां से हो रही हैं, यहां से। ये हमेशा के लिए पक्का करके रखना, हर सोच जो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। कल हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, उन्होंने वो घड़ी पहनी हुई थी। आजकल घड़ी है ना जो सब कुछ बताती रहती है कि शरीर में क्या हो रहा है, पल्स कितनी चल रही है, हार्ट बीट कितनी चल रही है, सारा दिन घड़ी पहनी हुई है। तो भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहा पिछले महीने मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ, और उसने कहा जब भी मुझे वो बात याद भी आती है ना थोड़ी सी,
मेरी यहाँ पल्स रेट चेंज हो गई होती है मेरी घड़ी के अंदर, सिर्फ याद आती है, बात हुई नहीं है, बात हो चुकी पुरानी, लेकिन जब भी मुझे वो बात थोड़ी सी याद भी आती है, मुझे मेरी घड़ी पर दिख जाता है कि मेरी हार्ट रेट और पल्स चेंज हो चुकी है। अब आप सोचो, ये वो प्रभाव है जो हमें पता भी नहीं है और सारा दिन हो रहा है, सारा दिन हो रहा है कि हम यहाँ सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उसका हमारे शरीर पर असर पड़ता जा रहा है। और जिस दिन वो शरीर कुछ कहता है, उस दिन हम कहते हैं शरीर बीमार है इसलिए मैं परेशान हूँ। शरीर बीमार है इसलिए हम परेशान नहीं हैं, हम परेशान रहते हैं इसलिए शरीर बीमार हुआ है। हर बात जो हम यहाँ सोच रहे हैं, वो उसका हर वाइब्रेशन हमारे शरीर के हर सेल को पहुँच जाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। संकल्प से सृष्टि मतलब मेरी सृष्टि, मेरी दुनिया, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा एनवायरनमेंट, वातावरण, सब कुछ संकल्प से बनता है। संकल्प से दुनिया बनती है, दुनिया से सोच नहीं बनती है। आज इस इक्वेशन को करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है के बातों की वजह से हमारी सोच बनती है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे किसी को रखिए जिसने आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया है, लेफ्ट हैंड पे रखना, अच्छा खासा गलत किया है, चाहे वो आज सुबह ही हुआ था, पहले हुआ था, और जिसके लिए हमने कहा इसने मुझे दुख दिया है, या जिसके लिए मैंने कहा इसने मेरी इंसल्ट की है, इसने मेरा अपमान किया है। किसी ने आपकी कभी इंसल्ट की? किस किस की इंसल्ट हुई है यहाँ इस गैदरिंग में आज बताइए, किस किस की इंसल्ट हुई है? हाथ उठाना, हुई है ना, बस उसका नाम रखना यहाँ पर जिसने आपकी इंसल्ट की है, और राइट हैंड पे अपने को रखना। अब इसको सामने लाकर देखना, लेफ्ट हैंड पर वो बैठे हैं, गलत बोल रहे हैं आपके लिए, झूठ बोल रहे हैं आपसे, धोखा कर रहे हैं आपसे, आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में बहुत गलत फैला रहे हैं। उनके पास ये सारी शक्ति है, वो आपके साथ गलत बोल सकते हैं, गलत कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, आपके पीछे गलत फैला सकते हैं, आपका काम बिगाड़ सकते हैं। उनके पास वो सारी शक्ति है। क्या वो आपके मन के अंदर घुस सकते हैं? यस और नो? क्या वो आपके यहाँ बैठकर वो सब कुछ कर सकते हैं? क्या वो आपके मन के अंदर घुसकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं यहाँ? आपने जवाब देना, क्या वो आपके मन के अंदर घुसकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, टेंशन होती है उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या वो आपके मन में घुसकर वो टेंशन क्रिएट करते हैं? अच्छे से चेक करना। और ये वो कोई बाहर वाले नहीं, घर का सदस्य हो सकता है। जब देखो चिल्लाते रहते हैं, आप मेहनत कितनी भी करो वो कोई ना कोई गलती ढूंढते रहते हैं। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आके ताना मार के चले जाते हैं। ये बाहर वाले नहीं, घर में ही रहते हैं ये सारे, लेकिन वो ये सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ बैठकर कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? किस किस को लगता है हाँ वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाथ उठाओ। ओ वेरी गुड, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो फिर मेरे मन में मुझे डिस्टर्ब करता कौन है? मैं। तो आज से वो सारी उंगली जो ऐसे जाती है ना, उसकी वजह से, 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 ये सारी उंगली ब्लेम गेम की जो बाहर जाती है, इसको वहां से हटाओ और कहो वो गलत कर सकते हैं,
लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते, मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते, मुझे दुख नहीं दे सकते। अगर वो किसी को तंग कर सकते हैं तो सिर्फ एक को, वो अपने को तंग कर रहे हैं वैसा व्यवहार करके, मुझे नहीं तंग कर सकते। मैं तंग तब होती हूँ जब उनके व्यवहार को देखकर मैं गलत सोचना शुरू करती हूँ, ऐसे किया मेरे साथ, ऐसे किया जिसने, देखो मेरे साथ ऐसे किया, सबके सामने मेरे साथ ऐसे किया। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तब मैं दुखी होती हूँ। वो मेरे मन के अंदर नहीं घुस सकते, मैं अपने मन के अंदर बैठकर गलत सोचकर दुखी होती हूँ। तो पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? ओहो, किसके पास है पावर? आवाज़ ही नहीं आई। पावर किसके पास है? ये क्या बहुत अच्छी फीलिंग है कि हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल पता नहीं कितने लोगों को दे के रखा है। वो हम सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है जब वो बोलते हैं अच्छे हैं वो आप, तो हम इतने खुश हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं आप ऐसे हो, तो हम एकदम डाउन हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सबसे बड़ा झूठ, गलत फहमी। हमारे मन को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोल करता है और वो है हम। तो हमें हर्ट किसने किया? हमने हमें हर्ट किसने किया? अच्छे से हमें नहीं बोलना, बोलना मैंने। यहाँ मैं बोलना, अच्छे से यहाँ मैं बोलना चाहिए, बाकी जगह मैं नहीं बोलना चाहिए। मुझे हर्ट किसने किया? इतना ज़ोर से बोलो कि पूरी दुनिया को सुनाई दे, मुझे हर्ट किसने किया? देखा, इसलिए ज़ोर से बोलना था ताकि यहाँ रिकॉर्ड हो जाए, किसी और को नहीं सुनाना। ये मुझे हर्ट मैंने किया है, उन्होंने गलत किया है। वो मेरे शरीर को हर्ट कर सकते हैं, कोई मेरे को फिजिकली मार सकता है, लेकिन यहाँ घुस के मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ मैं अपने आप को अपनी सोच से मारती हूँ। सुबह सुबह आप उठे, बहनों के लिए है ये, सुबह सुबह आप उठे, आपने सोचा आज मैं एक नई डिश बनाती हूँ इनके लिए, तो आप अपना फ़ोन उठाते हैं। आजकल तो सारी रेसिपी फ़ोन पे ही मिल जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप एक नई रेसिपी निकालते हैं और उनके उठने से पहले, आप दो घंटा पहले उठकर इतनी मेहनत करके वो नई वाली रेसिपी बनाते हो। और जब आप वो रेसिपी बना रहे होते हो तो आप चेहरा देखते हो कि हाँ अब वो आएंगे, खाएंगे, बड़े खुश होंगे, कहेंगे बहुत अच्छा बनाया। वो सब आपको दिखाई देने लग जाता है और वो आते हैं, फटाफट खाते हैं और फटाफट घर से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको बोलते हैं कैसा लगा, तो वो बोलते हैं क्या कैसा लगा, तो आप बोलते हैं आपने नहीं देखा मैंने आज कुछ नया बनाया था। अच्छा अच्छा नया बनाया था, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा। तो बोले पर आपको लगा कैसा? हाँ अच्छा बना है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी मम्मी का बहुत अच्छा बनता था यह। अभी कितना अच्छे से हंसे, अगर कल सुबह ये होगा तो आप ऐसे ही हंसेंगे इस तरह से? नहीं हंसेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वो बना रहे थे, हम इसलिए बना रहे थे कि अब मुझे इसके लिए वो बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट हो गई थी? मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट हो गई थी? चाहे वो एक छोटी सी खाने की चीज़ होती है या जीवन में जो हम बड़े बड़े काम करते हैं, हमें लगता है लोग हमें कहेंगे हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा बोल दिया और मेरा मन परेशान हुआ और मैंने अपने दुख का कारण किसको ठहराया, मैं दुखी किसकी वजह से? फिर वो चले जाते हैं ऑफिस, अब मेरा मन भारी हो गया तो मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, अपनी मम्मी को, बहन को, फ्रेंड को, किसी को तो फ़ोन करके हल्का करूँ ना अपना मन, क्योंकि हमें लगता है हमारे मन को भारी भी कोई करता है और हल्का भी कोई और ही करेगा। तो कहती हूँ अब किसी से तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे अंदर ये प्रेशर कुकर फट ही जाएगा मेरे अंदर का जो बन गया है। तो मतलब मेरा माइंड पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। भारी भी उसको कोई और करता है, हल्का भी उसको कोई और करता है, सुखी भी कोई उसको और करता है, दुखी भी कोई उसको और करता है। मेरा मन और मुझे लगा वो सबके कंट्रोल में, सिर्फ एक मुझे छोड़कर। तो मैं किसी और को फ़ोन करती हूँ, वो कहते हैं छोड़ ना, ये सारे आजकल ऐसे ही हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी, तो और मन परेशान हो जाता है। और ये सब कुछ, ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती है ना, हैं ही छोटी बातें,
लेकिन जब ये छोटी छोटी बातें भी हो रही होती है ना, जिसमें हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमें याद रखना पड़ेगा आत्मा की शक्ति टिप 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 घट रही है, घट रही है। और ये सब जो हमने इतनी देर में सोच लिया, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर पहुंचा है। जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारियां लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, तो लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ खाना पीना सोना एक्सरसाइज नहीं, लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, ये लाइफस्टाइल है। तो जितनी देर मैंने उनके लिए ऐसे 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 सोचा, आंखों से एक आंसू भी निकल आया, मन भारी भी हो गया, ये याद रखना मेरे शरीर पर इसका असर पड़ा है। आज बीमारी उस दिन नहीं होती है, उस दिन कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये सोचने का तरीका तरीका कुछ सालों के बाद जो बोझ हम यहाँ क्रिएट करते हैं, कुछ सालों के बाद वो शरीर में कोई रूप लेकर आता है। और फिर हम कहते हैं शरीर की वजह से मैं दुखी हूँ, शरीर की वजह से मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे दुख की वजह से शरीर बीमार है। इक्वेशन राइट रखने हैं। रिश्ते परेशानी में हैं इसलिए मैं दुखी हूँ, नहीं, मैं दुखी रहती हूँ इसलिए रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। अब क्या ये पॉसिबल था जब उन्होंने उस तरह से सुबह बात की, कुछ बोला भी नहीं कि अच्छा बना है, और इतना ही बोल दिया कि मम्मी का तो और भी अच्छा बनता था, क्या ये पॉसिबल है कि ये सब कुछ सुनते हुए हम मन से शांत स्थिर रहकर मुस्कुरा सकते थे और ये अपने आप को कह सकते थे कि मैंने अपना बेस्ट किया और अपना बेस्ट करके मैं बहुत खुश हूँ? क्या हम ये कर सकते थे, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते या नहीं कर सकते, कर सकते या नहीं कर सकते? हमें हमारे मन की क्षमता नहीं पता है। कुछ साल पिछले साल ही एक बहन आई सेंटर पे, माउंट आबू में आई थी, अमेरिका से आई थी। उसने अचानक एक दिन एक वीडियो देखा, और जो पहली बार उसने एक वीडियो देखा, फर्स्ट वीडियो था उसने जो देखा अवेकनिंग का, और उस वीडियो में ये था, अगर कोई शरीर छोड़ता है, मतलब किसी की डेथ होती है, तो ये याद रखना है कि आत्मा शरीर छोड़कर आगे गई है। हम अगर पीछे जिस तरह से सोचेंगे, रोएंगे और ये बोलेंगे आप क्यों चले गए, कैसे चले गए, आपके बिना हम नहीं रह सकते, आप वापस आओ, आप वापस आओ, वापस आओ, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जाएंगी जो गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, और वहाँ पर वो आत्मा को डिस्टर्ब करेंगे, दुख देंगे, उस आत्मा को खींचने की कोशिश करेंगे। ये 25 मिनट का वीडियो उस बहन ने देख लिया, पहला वीडियो, उसने पहले कभी नहीं देखा था, और कहती है मुझे समझ आ गया कि हाँ, हम जो सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाता है, तो वो तो आगे भी पहुंच जाएगा जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। और कहती उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया, अगर मेरे घर में कभी कुछ ऐसा हुआ, मैंने अटेंशन रखना है कि मैंने प्यार से और दुआओं के साथ उस आत्मा की विदाई करनी है, दर्द के साथ नहीं करनी है। मैंने दर्द के साथ उसको नहीं भेजना। उसने डिसाइड किया, समझकर, समझ आ गया। 8 दिन बाद उसके घर एक फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाती है और उसको कोई कहता है कि आपका बेटा कॉलेज जा रहा था लेकिन उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और अब उसने ऑन द स्पॉट शरीर छोड़ा है। एक माँ एक फ़ोन उठाती है और उसको ये बात पता चलती है, और आपको पता है उसने क्या किया? उसने इमिजिएटली वो बात याद रखी और उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बेटे को दर्द नहीं जाने दूंगी किसी का भी यहाँ से। अभी उसने सबसे पहले, उसको कुछ नहीं पता था कि मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं मालूम था। उसने पहले वो ढूंढा, वो ढूंढ के बहनों को फ़ोन किया और बहनों को बोला आप प्लीज़ हमारे घर में आ जाओ तुरंत। वो बहनों को बुलाया
और बोली जब तक सबको पता चलेगा अभी मेरी फैमिली में और सब रोना शुरू करेंगे, मुझे मेरे बेटे को दर्द नहीं भेजना है। एंड वो मदर है, उसका बेटा 21-22 साल की आयु का होगा उस समय। उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा, याद तो बहुत आएगी ना, याद आएगी, मिस करेंगे, लेकिन उसने कहा मैंने उसको दुआओं के साथ भेजना है, मैंने उसके आगे की जर्नी को बहुत स्मूथ बनाना है, मैंने उसके आगे के भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, और उसके लिए मैंने एक भी संकल्प ऐसा नहीं करना है जो उसको वहाँ पहुँचकर वो उसको डिस्टर्ब करेगा। मैंने उसके आगे के जीवन की नींव को बहुत शक्तिशाली बनाना है। और उसने वो बहनों को सेंटर से एक हफ्ते तक अपने लिए घर में रोज़ बुलाया, जितने मेहमान आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, दोस्त आए, जैसे ही आते थे सबको बोलती थी रोना नहीं हमारे घर में आके, रोना नहीं है, ये आपको योग कराएंगे, आप सब साइलेंस में बैठेंगे, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेरे बच्चे को आप दुआएं भेजेंगे, मुझे मेरे बच्चे को रोना नहीं भेजना है किसी ने। एक हफ्ता उसने वो घर पे कराया और वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी परिस्थिति, उसको तो परिस्थिति भी नहीं बोल सकते, लाइफ बोल सकते, लेकिन उसने अपनी लाइफ की वो सबसे बड़ी परिस्थिति में भी श्रेष्ठ सोचकर, निस्वार्थ सोचकर और शक्तिशाली बनकर प्यार और दुआएं भेजकर शांति और स्थिरता से उस परिस्थिति में सामना किया। ये है हमारे मन की शक्ति, और ये शक्ति हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं ये किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, ये शक्ति हम सबके पास है, लेकिन हमें इस शक्ति को यूज़ करना है। अगर हम उस शक्ति को यूज़ करें तो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी सीन में भी स्थिर रहते हैं, और अगर हम उस शक्ति को यूज़ नहीं करते तो हम एक छोटी सी बात पे भी परेशान हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिना ये समझे कि परिस्थिति हमारी मन की स्थिति नहीं बनाती है, हमारी मन की स्थिति से परिस्थिति बनती है। तो इक्वेशन को चेंज करें आज, कौन कौन रेडी है इक्वेशन को चेंज करने के लिए? वेरी गुड। और आप सब देखेंगे कल सारा दिन में कि वास्तविकता यही है, हम ऑपोजिट चल रहे थे, परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को नहीं बनाती है, मेरे मन की स्थिति किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। बोलिए, मेरी सोच किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। अब अपनी जीवन की कोई भी परिस्थिति को सामने लेकर आइए और अभी अभी इधर बैठकर उस परिस्थिति के प्रति अपनी सोच को बदलिए। परिस्थिति लेफ्ट हैंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मन की स्थिति राइट हैंड पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अगर परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता तो भी मैं सही सोचकर कम से कम अपने मन, शरीर और रिश्तों को ठीक रखूं। जीवन में एक परिस्थिति आती है, उसके बारे में हम इतना परेशान और चिंता में जाते हैं कि मन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर तंग करने लगता है, और जब मन और शरीर तंग करता है तो हम रिश्तों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं। परिस्थिति एक थी, एक से चार उसको हम बनाते हैं, और हमारे पास इतनी शक्ति है कि जीवन में चार परिस्थितियां भी आएंगे तो चारों परिस्थितियों को एक बनाकर शांत और स्थिर रहकर क्रॉस कर सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है कि छोटी सी बात को पहाड़ बना सकते हैं। कहते हैं ना हम एक दूसरे को, इतनी सी बात का पहाड़ बनाया हुआ है, बोलते हैं कि नहीं, ऐसा पहाड़ बनाया हुआ है। और हमारे पास इतनी शक्ति है कि पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, राई कैसे होती है? छोटी सी लेकिन थोड़ी कड़क होती है। तो परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, फिर राई को भी रुई बनाकर फूंक मारो। ये शक्ति हमारे पास है, ये शक्ति हमारे पास है। और वो शक्ति क्या है? हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति। तो जब भी कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता है, हम चाहते हैं कि इस रिश्ते में इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें याद रखना है वो रिश्ता नहीं है सिर्फ, वो आत्मा है, वो अपने पूर्व कर्म और संस्कार लेकर आए हैं, वो अपने संस्कारों अनुसार चलेंगे, मुझे अपने संस्कारों अनुसार चलकर सही सोचना है।
अगर वो नाराज हैं तो मुझे शांत रहना है, अगर वो जोर से बोल रहे हैं तो मुझे चुप रहना है, अगर वो नाराज हो रहे हैं तो मुझे शक्तिशाली रहना है, अगर वो निंदा कर रहे हैं तो मुझे सहन करना है। चुप रहने से मैं सिर्फ अपने को सुख नहीं दे रही, मैं शरीर को स्वास्थ्य और उनको भी शक्ति दे रही हूँ। क्योंकि जब भी कोई गलत तरह से व्यवहार करता है, हमेशा याद रखना सामने वाली आत्मा कमज़ोर है। जो कमज़ोर होता है वही गलत व्यवहार करता है। होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप उनका ध्यान रखते हैं ना, रखते हैं ना, या आप बोलते हैं आप बीमार तो मैं भी बीमार, ऐसे कोई बोलता है? ओहो आप बीमार तो मैं आपका क्यों ध्यान रखूं, मैं भी बैठ जाती हूँ बेड पर, मैं भी बीमार। लेकिन जब कोई संस्कारों से बीमार होता है, आत्मा कमज़ोर होती है, तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कमज़ोर है उस समय, हमें उनका ध्यान रखना है, और उनका ध्यान रखने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों को यूज़ करना है। और जितना हम वो करते जाएंगे, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ की रिकॉर्डिंग सही होती जाएगी। और जब यहाँ की रिकॉर्डिंग सही होती जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि हर परिस्थिति में मैंने सही सोचा है। अगर आपके साथ कोई गलत करे, क्या आप उसको दुआएं दे सकते हैं? अगर आपके साथ कोई गलत करे, क्या आप उसको दुआएं दे सकते हैं? इतना साइलेंस क्यों है? अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी भी साइलेंस है। अगर आपके साथ कोई गलत करे आप उसको दुआएं दे सकते हैं? नहीं दे सकते। चलो अभी करके देखते हैं। सीधा होकर बैठे, आंख बंद करें, उनको सामने लेकर आए, जिसने कुछ छोटा गलत किया हो या बहुत बड़ा गलत किया हो, देखते हैं दे सकते हैं कि नहीं दे सकते आप। सामने लेकर आए उनको, बिजनेस में धोखा, रिश्तों में धोखा, बस सामने लेकर आए उनको। और मैं जो जो बोलूंगी आप पीछे से रिपीट करेंगे। ध्यान से रिपीट करना। बात खत्म हुई, बोलते जाइए, बात खत्म हुई, अच्छे से, बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को खत्म करती हूँ, मेरी तरफ से बोलना है, मेरी तरफ से, अच्छे से बोलना है, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं और दुआएं और दुआएं। अब एक बार फिर से बोलेंगे, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके मन पर हो रहा है रिकॉर्ड। बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूँ, उस बात को मैं भूल जाती हूँ, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं और दुआएं। बोलिए दुआएं दुआएं और दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया, अच्छे से बोलो, आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी बुरा होना चाहिए। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? आपने देखा कौन सा आसान है और कौन सा हम नहीं कर सकते हैं, और फिर भी हम सोचते हैं कि दुआ देना मुश्किल है। आपने कितनी सहजता से दुआ, दुआ देना मतलब करना क्या है? ये हमारी नेचर है। हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा शुद्ध है, हर आत्मा का संस्कार प्यार है, सम्मान है। हमारे लिए दुआ देना बहुत सहज है। आप ऑपोजिट तो बोल भी नहीं पाए, करना तो कम संभव है। अब जब उन्होंने वो किया जो उन्होंने किया, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड हो गया, और हम अभी तक वो बात को भूल नहीं पाए हैं, हम उनको क्षमा कर नहीं पाए हैं।
लेकिन जो हमने अभी किया ना 10 सेकंड में, अगर आप अगले 10-15 दिन तक इसको रोज़ करें एक बार, रेडी करने के लिए रोज़ रात को एक बार कीजिए कि बात ख़त्म हुई, एक थॉट, दूसरी थॉट, मैंने आपको क्षमा किया, मैं उस बात को पूरी तरह से भूल गई और मेरी तरफ से आपको सिर्फ दुआएं दुआएं और दुआएं। 4 थॉट है ना, सिर्फ 4 थॉट है। अब जैसे ही हम हर रोज़ ये 4 थॉट को रिपीट करेंगे, ये 4 थॉट यहाँ रिकॉर्ड होते जाएंगे और जो पुरानी रिकॉर्डिंग हमने पकड़ के रखी थी वो मिटती जाएगी और नई रिकॉर्डिंग क्रिएट होती जाएगी। वो नहीं बदलेंगे, बातें नहीं बदलेंगी, हो सकता है वो गलती वो फिर कर देंगे, लेकिन हम बदल जाएंगे। और जब हम बदल जाएंगे तो हमारे कर्म और श्रेष्ठ हो जाएंगे, हमारे संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे, हमारा जीवन सुखों से भर जाएगा। और जब हमारा जीवन सुखों से और शक्ति से भर जाएगा, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा और वो भी बदल जाएंगे। जब आप यहाँ से उनको दुआएं देंगे तो आपको लगता है वो दुआ उन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? किस किस को लगता है दुआ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी? दुआ पहुँचेगी। अच्छा, और जब हम कुछ और पकड़ के रखते हैं तो वो वाली वाइब्रेशन पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? हमेशा याद रखना है, मेरा उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बन रहा है। परसों ही हम एक प्रोग्राम में थे तो वहाँ एक दीदी ने एक कहानी सुनाई, मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ, बहुत स्वीट है। तो उन्होंने बताया कि एक घर में दादाजी दादी जी रहते थे, उनका बेटा और बहू रहते थे और उनके 2 बच्चे रहते थे। और उन्होंने कहा वो दादाजी को बहुत खांसी होती थी, कुछ उनको प्रॉब्लम था तो बहुत खांसी होती थी। तो एक दिन उस घर की वो मम्मी ने, बहू ने कहा अपने पति से कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, छोटा सा घर है, ये इतना खांसते रहते हैं, इनको ना हम बूढ़ा घर में छोड़ देते हैं, मतलब सीनियर सिटीजन होम में छोड़ देते हैं। तो उसके बेटे पति ने कहा हाँ बात तो राइट है, हम इतने से घर में रह भी नहीं पा रहे हैं। तो वो पति ने सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ सोच रहा था मैं अपने माता पिता से ये बात करूं कैसे। तो कुछ दिन सोच रहा था, एक दिन उसने देखा कि मेरे पापा का मूड बहुत अच्छा है, मैं आज बात कर लेता हूं उनसे। और जैसे ही वो अपने पिताजी से बात करने गया तो पिताजी ने कहा बच्चा आओ, मुझे आज तुमसे बात करनी है कुछ। तो बच्चे ने कहा आप पहले बताओ। पिता ने कहा नहीं तुम बता दो। कहते नहीं आप बड़े हो, आप बताओ। तो आपको पता है पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा मुझे बहुत खांसी होती है, मुझे लगता है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा होगा। तो बच्चा खुश हो गया, उसको लगा मेरा काम हो गया, मुझे इतनी बड़ी बात अब उनको नहीं बोलनी पड़ेगी, उन्होंने तो खुद ही डिसीशन ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उनके पिताजी ने पता है क्या बोला? कहते मुझे लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है आप सबको, मैंने ये सोचा है कि मैं अपने इस घर को बूढ़ा घर बना लूं जिसमें और भी बड़े आकर रहें और आप लोग अपना अलग मकान ले लो। कहानी इंटरेस्टिंग लगती है ना, लेकिन ये कहानी हमें कुछ सिखाती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हर सोच दूसरे तक पहुंच रही होती है, हमारी हर वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंच रही होती है। और फिर जब सामने से कोई ऐसा करता है, कुछ कहता है, तो हम कहते हैं ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो जो कहते हैं या करते हैं वो हमारी बहुत सारे संकल्प और सोच उन तक पहुंच रही होती है। हमारे संकल्पों से मानसिक स्वास्थ्य बनता है, हमारे संकल्पों से शरीर का स्वास्थ्य बनता है, हमारे संकल्पों से रिश्ते बनते हैं, हमारे संकल्पों से काम होते हैं, हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है। परिस्थिति से मन की स्थिति नहीं बनती, मन की स्थिति से सारी परिस्थितियां बनती हैं। तो कंट्रोल किस पर रखना है, कहाँ अटेंशन लेकर आना है, कहाँ लेकर आना है अटेंशन? यहाँ हर रिकॉर्डिंग सही। अच्छा, कुछ होमवर्क फिक्स करते हैं जो हम आज रात से कल से करना शुरू करेंगे। क्या कल से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे साथ उतना सही व्यवहार न करे तो भी हम उनके साथ अच्छे से करें? क्या हम ये कर सकते हैं? कर तो मतलब सब सकते हैं, पर करने का निर्णय ले सकते हैं कि हम करें सही? यस नहीं? नहीं यस? हाँ तो उठाओ फिर। याद रखना कर्म और संस्कार रिकॉर्ड हो रहा है। जब भी आपके साथ कोई
उतना सही व्यवहार न करे ना, बहुत भी गलत लग रहा हो ना, तो एक सेकंड में अपने आप को बोलना, ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, ये जो कर रहे हैं ये मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मैं अभी जो सोचूंगी वो मेरे साथ जाएगा और वो ही मेरे साथ यहाँ रहेगा और वो ही मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनाएगा। इनकी गलतियों की वजह से मैंने अपने शरीर को बीमारी नहीं देनी है। अभी जब ये भैया फोटो खींच रहे होते हैं और जब आपको दिखाई देता है कि कैमरा आपके पास आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं या नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। और अगर कल ये फोटो आपके व्हाट्सएप पे भेज दे यहाँ से सेंटर से, और वो फोटो में हज़ार लोग बैठे हुए हैं, आपका ध्यान सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा? ये संस्कार है कि अगर फोटो खींच रही है तो मुझे परफेक्ट होना चाहिए, और जब सबकी फोटो आएगी तो भी मैं पहले अपने पर ही अटेंशन दूंगी। इसी संस्कार को जीवन में यूज करना है। हर क्षण जो मैं कर्म कर रही हूँ वो फोटो खींच रही है। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो, मुझे सही बैठना है, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, कोई कैसा भी संस्कार कर रहा हो, मुझे मेरी फोटो अच्छी चाहिए, मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग चाहिए, यहाँ रिकॉर्डिंग चाहिए। हमारा भाग्य लोगों के व्यवहार से नहीं बनता, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। आज क्षमा करें उन लोगों को जिनको पकड़ के रखा हुआ है, क्षमा करें उनको जिनको पकड़ के रखा हुआ है। चलो फिर से आंख बंद करो, एक नहीं सारे नाम इकट्ठे ले आओ। फाइल्स कितनी भी हो, डिलीट बटन एक ही होता है। सारी फाइल सेलेक्ट करके एक ही बटन दबाना होता है, सारी डिलीट हो जाती है। लेकर आओ सब बातें बचपन से, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें पकड़ के रखी हैं। ये मेरे पूर्व कर्मों का हिसाब किताब था। चुक तो हुआ, खत्म, बीती सो बीती फुल स्टॉप, बीती सो बीती फुल स्टॉप। मैं उनको क्षमा करती हूं। आज से वो दाग मेरे मन चित से संपूर्ण साफ, खत्म, पकड़ कर मैंने रखा था, छोड़ना भी मैंने है। बीती सो बीती, हिसाब किताब कर्मों का चुक तो हुआ, आज से मैं बात को फिनिश कर उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और दुआएं, क्योंकि मेरे पास वही संस्कार है। मेरा मन चित सदा साफ बेदाग, मैं फरिश्ता हूं। ओके, वापस आ जाइए। अब हमें लगेगा ये इतना आसान है, ये इतना ही आसान है। दाग भी सोच से बनता है और दाग साफ भी सोच से होता है। कोई आकर अंदर दाग लगा कर नहीं गया था कि वो आकर साफ करेंगे। हमें लगता है लोग आकर सॉरी बोलेंगे तब हम ठीक होंगे। लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद खुद को सॉरी बोलना है, क्योंकि हमने खुद को घाव दिए हैं। हम अपने मन पर घाव देते हैं। कोई भी सीन आ जाए जीवन में, ये परमात्मा के महावाक्य हैं, पकड़ के रखना। कोई भी सीन आ जाए सामने, सबसे पहला संकल्प ये कहना, इस सीन में भी मेरे लिए कोई कल्याण है, इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा समाया हुआ है। और जैसे आप वो कहेंगे, परिस्थिति छोटी हो जाएगी, आप परिस्थिति से ऊपर हो जाएंगे। और जैसे ही आप परिस्थिति से ऊपर हो गए, परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आ गई, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हम छोटे हो जाएंगे,
परिस्थिति ऊपर हो जाएगी और फिर परिस्थिति हमें कंट्रोल करने लगेगी। तो कुछ भी हो जाए, सबसे पहली चीज़ क्या बोलेंगे, इसमें, बोलिए, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार, इसमें मेरे लिए कल्याण है। कल्याण है जैसे ही बोला ना, आपने उस परिस्थिति को दुआ दे दी है। खुश रहने का सहज तरीका, खुद को दुआएं दो, परिस्थिति को दुआएं दो और लोगों को दुआएं दो। सारा दिन दुआएं 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 दो। और दुआएं देंगे कैसे, सही सोचकर। पर सही सोचेंगे कैसे, कौन कौन अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है। आपका शहर बहुत प्यारा शहर है, बहुत सादगी है, बहुत पवित्रता है, सिंप्लिसिटी है, जीवन की स्पीड भी अच्छी स्लो है, आराम से है। इसकी सादगी और सात्विकता को बनाकर रखने के लिए अपने संस्कारों को सत्योगी बनाना है। आपके शहर में डिप्रेशन तो नहीं आया होगा अभी तक, आया क्या? नहीं, मैं शरीर में पूछ रही हूँ, आया कि नहीं आया? आया है, आया है। कभी सुना है किसी को हुआ है आपके शहर में? सुना है? देश के कुछ बड़े शहरों में ये इतना फास्ट गति से बढ़ गया कि कोविड के बाद पिछले एक साल का रिजल्ट है, भारत के चार बड़े शहरों का रिजल्ट है कि 30% मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ी है, 30%। और उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज बच्चे हैं। ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो भी बड़े शहरों में होता है कुछ समय बाद हमारे हर शहर तक पहुँच जाएगा। और अगर हमें अपने आप को और अपने परिवार को और अपने आसपास के सबको उससे बचाना है तो उसकी सिर्फ एक विधि है, और वो विधि है इस शक्ति को बढ़ाना, इस बैटरी को चार्ज रखना जो यहाँ है। अगर इसको रोज़ चार्ज नहीं करेंगे, इसकी शक्ति को रोज़ नहीं बढ़ाएंगे और वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ता जा रहा है, 2 सालों में 3 सालों में सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट किया है, हवा फैल चुकी है वो, और इसीलिए ऐसे ही बैठे बैठे डर लगने लगता है, बैठे बैठे चिंता हो रही है, बैठे बैठे डिप्रेसिव फील हो रहा है, क्योंकि हवा में है वो। इसलिए वहाँ तो उन शहरों में इतना फास्ट फैला कि पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कभी फैल गया। इसलिए ध्यान रखना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा सारा कमाया हुआ धन भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। हम आज दिन तक बहुत मेहनत करते आए हैं क्योंकि हमेशा हमने सोचा अपने परिवार की परवरिश पैसों से होती है, और आई वेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो पैसा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बचपन में हम सुना करते थे हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए, बोलते ना हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए, और अगर किसी घर में एक नहीं होता था तो लोग कहते थे इनका घर चलेगा कैसे, इनके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है। अब समय थोड़ा बदला, हर घर में एक नहीं सारे ही कमाने वाले हैं, लेकिन अब वो समय चल रहा है कि हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर हर घर में एक शक्ति कमाने वाला नहीं होगा तो आने वाले समय में पता नहीं कि वो घर चलेगा कैसे। हर एक घर में एक चाहिए, क्योंकि युग वो शुरू हो चुका है कि अचानक 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 कुछ भी हो रहा है, अचानक नौकरी, अचानक पढ़ाई, अचानक रिश्ते, अचानक स्वास्थ्य, अचानक बातें आती हैं। और जब बातें आती हैं तो सिर्फ धन नहीं चाहिए होता, उस समय उस परिवार को संभालने के लिए शक्ति चाहिए होती है। लेकिन अगर उस समय परिवार का हर सदस्य हिल जाता है तो छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो जैसे मेहनत करके हम धन कमाते हैं, वैसे ही थोड़ा सा अटेंशन रख के और थोड़ा सा समय रोज़ अपने लिए निकाल कर शक्ति को कमाना है।
इस शक्ति को बढ़ाना है, और बढ़ाकर सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये शक्ति सबको बचाती है और सबको संभालती है। तो आप रेडी हैं शक्ति कमाने के लिए? आप रेडी हैं शक्ति कमाने के लिए? यस। क्योंकि एक ऐसा भी समय गया पिछले 10-20 सालों में जब किसी को कहते थे कि अपने लिए समय निकालो तो कहते थे टाइम नहीं हमारे पास। कुछ लोग तो कहते थे मरने की भी फुर्सत नहीं, आप बोलते हो मेडिटेशन करो। क्यों मरने की फुर्सत नहीं थी? क्योंकि धन कमा रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन धन कमाते हुए का मतलब ये नहीं है कि साथ में शक्ति नहीं कमानी है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो धन से नहीं ठीक हो सकती, धन से नहीं ठीक हो सकती। लेकिन हर परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। तो अपने आप से आज पक्का कीजिए कि मैं वो एक अपने घर का परिवार का सदस्य होऊंगा जो मैं अपने घर के लिए शक्ति कमाऊंगा हर रोज़। रेडी करने के लिए? रेडी करने के लिए। और जो हर घर में एक एक ऐसा होगा जो शक्ति कमाएगा, शक्ति बढ़ाएगा, शक्ति सबको देगा, तो उस घर में ऐसी बीमारियां कभी नहीं आएंगी। और आएंगी भी तो आएंगी और चली जाएंगी, नहीं तो भाग्य हिल जाते हैं, परिवार हिल जाते हैं। और ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ जहाँ हुआ उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वहाँ ऐसा होगा। पिछले 2 महीने से मैं ऑन एन एवरेज कम से कम हर हफ्ते एक परिवार से मिल रही हूँ जिनके घर में उनके बच्चे ने चूज किया कि उसको नहीं जीना है। आपको पता है कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं? एक बच्चे को खोने का गम और दूसरा ये गिल्ट कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि वो बच्चा मुझसे आकर बात नहीं कर सका, क्यों उसने ऐसा किया। जीवन जिया नहीं जाता उसके बाद। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम सब भाग रहे थे। और कभी जब किसी को थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, वैसी सोच चलनी शुरू होती है, तो किसी को घर में पता भी नहीं चलता कि हुआ था। और तब वो बात वहाँ सिर्फ डिप्रेशन तटा रहकर बहुत आगे चली जाती है। इस कोविड के बाद, और इसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड के बाद इस लास्ट 1 साल में भारत में सुसाइड 17% 17% बढ़ा है। क्यों? क्या ये हमारी मेहनत का रिजल्ट? ये सफलता है, ये है सफलता। तो इसीलिए अपने घर को संभाल लीजिए, अपने परिवार की शक्ति बढ़ा लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चों की शक्ति बढ़ाइए। उनको आज से 10 साल आगे की दुनिया में देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होगी वो शक्ति चाहिए होगी, आत्मिक शक्ति। इसलिए इधर उधर की बातों में परेशान होकर इस बैटरी को बिना बात के गंवाना नहीं, और दूसरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान करना नहीं। जो गलती कर रहा है उसकी बैटरी घट रही है, उसकी गलती की वजह से मैंने अपनी बैटरी का नुकसान नहीं करना। क्षमा करो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, अपनी शक्ति बचाओ, अपनी शक्ति बचाओ, और बचाते बचाते धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। करना है हमने ये होमवर्क कल से? पक्का? सबको पक्का? दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना नुकसान नहीं करना। अब दूसरा होमवर्क, ये शक्ति घट क्यों रही है इतनी फास्ट? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये सारे जो खिलौने हमारे जीवन में आए हुए हैं, जो हमारे आराम के लिए आए थे, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, लेकिन हमने इनका ठीक से यूज़ नहीं किया तो ये हमारी शक्ति को घटा रहे हैं। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। बोलिए एक बार सब मिलके, जो मैं सुनता हूँ, बोलो अच्छे से, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। मतलब हम फोन, टीवी और ये सब चीज़ों से जो हम ले रहे हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार से हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म से हमारा भाग्य बन जाता है।
तो क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने अंदर भरते जा रहे हैं, इसलिए हमारी शक्ति घटती जा रही है, और इसलिए हमें लगता है चिंता तो होनी है, दुख तो होना ही है, डर तो लगना ही है, ईर्ष्या तो होनी है, क्योंकि हम वो वाली चीज़ें फ़ोन और टीवी से भर रहे हैं अपने अंदर। जैसे हम अन्न की परहेज करते हैं, तो समय आ गया है कि कंटेंट की परहेज करें, परहेज करें। खुद करेंगे तब कोई शक्ति होगी कि बच्चों पर अपना प्रभाव डालकर उनको उससे बचाएं, नहीं तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता, उनको नहीं रोक सकेंगे। तो आज से जब भी ऐसे ऐसे करेंगे फ़ोन को, जब भी रिमोट से टीवी को ऐसे ऐसे करेंगे, और जहां अपनी नज़र को रोकेंगे, जो चीज़ सुनने देखने बैठेंगे, हमेशा ध्यान रखना अगर उस कंटेंट के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, चिंता, डर, जेलेसी, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो वो मेरे लिए हानिकारक है, वो मेरे लिए हानिकारक है। टीवी ऑन करते हैं, घर टूट रहे हैं सीरियल में, और हम रोज उसको देखते रहते हैं। कोई क्राइम शो चल रहा है, रोज उसको देख रहे हैं। कोई किसी की निंदा करते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं लोगों को, हम रोज उसको देख रहे हैं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है, डर नहीं लगेगा तो क्या होगा। और वो टीवी के सीरियल देख देख के अपने घर के लोगों पर शक करना शुरू कर देते हैं, उनके फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। अपने आप नेचुरल होने वाला है वो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल संस्कार बनेगा क्योंकि हमने वो भरा है अपने अंदर। इसलिए परहेज, ये चीज़ हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि ये हमारे कर्मों से हमारे भाग्य को बदल रही है, इसको भी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानिए। तो करें आज से परहेज, रखेंगे अटेंशन अपने ऊपर, जो भी कंटेंट नेगेटिव है वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे लिए नहीं। कौन रेडी है करने के लिए? अच्छे से अटेंशन से करना। और दूसरी बात याद रखना, अगर खुद को पसंद आ भी गया और देख भी लिया, कम से कम ऐसा कर्म ना करना कि औरों को भी फॉरवर्ड करो, ये कर्म नहीं करना चाहिए कभी। खुद को अगर जंक फूड खाने की आदत है तो इसका मतलब नहीं दूसरों को भी खिलाओ। दूसरों को अगर हम ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, ये हमारा कर्म बनता है कि हमने नेगेटिविटी को फैला दिया दूसरों के मन के ऊपर। अब अटेंशन एक और, कि नेगेटिव तो हमें भरना नहीं है अपने अंदर, लेकिन अब हमें हर रोज़ रात को सोने से पहले, क्योंकि मेजॉरिटी बीमारियां मानसिक और शारीरिक गहरी नींद की कमी की वजह से भी हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि रात को सोने से पहले ही हम टीवी और फ़ोन देखते हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ भर के हम सोने चले जाते हैं। हमें लगता है हम सोए थे, लेकिन हम सोए नहीं थे, शरीर सोए था, मन के अंदर वो सारा कुछ चल रहा था। तो रात को सोने से पहले 15 मिनट अपने लिए रखिए, और रात को सोने से पहले 15 मिनट परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य सुनिए, पढ़िए। वो एक एक शब्द जिसके अंदर पवित्रता है, शक्ति है, प्यार है, सम्मान है, क्षमा है, दुआएं हैं, वो शब्द जब यहाँ अंदर जाएंगे 10-15 मिनट के लिए, और फिर आप अगले 6-7 घंटे सोएंगे, वो शब्द आपके मन और शरीर को ऊर्जा देंगे, गहरी नींद देंगे, शरीर को स्वास्थ्य देंगे, और आपके संस्कार बनते जाएंगे। इसलिए वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को सोने से पहले दुनिया की खबरें नहीं देखी जाती हैं। अगर रात को ये देखेंगे, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, आपका मन सोएगा कैसे उसके बाद? वो दृश्य छप जाते हैं यहाँ पर, कष्ट देते हैं मन, बुद्धि और शरीर को। इसलिए सब कुछ जो ऐसा नेगेटिव तो पहले देखना नहीं चाहिए, और अगर कुछ देख भी रहे हैं तो कम से कम सोने से 1 घंटा पहले उसको बंद कर देना चाहिए। अपने माइंड को जगह दीजिए उसको शट डाउन करने के लिए, फाइल्स। और रात को सोने से 15 मिनट पहले बहुत शुद्ध पवित्र शब्द, जिसको हम कहते हैं आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, परमात्मा के महावाक्य, वो स्टडी करके सोइए।
और सारी जो सारा दिन की बातें हैं उसको साफ करके सोना है। करेंगे आज रात को साफ करेंगे, सोने से पहले साफ करेंगे ना, क्षमा करेंगे, दुआ देंगे, भूल जाएंगे, ये सब रिकॉर्डिंग यहाँ डिलीट कर कर फिर सोएंगे। फोटो अगर सारा दिन में गलत खींची भी थी, ये वो फोटो है जिसको रात को सोने से पहले ठीक कर सकते हैं। कई लोग रात को सोते हैं और फिर सुबह नहीं उठते हैं, आत्मा नींद में ही शरीर छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग साथ चली जाएगी। फिर सुबह उठते ही जब हम इतनी गहरी नींद सोएंगे तो हमें नींद कम ज़रूरत पड़ेगी, हम सुबह जल्दी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजे के बीच में उठ जाएंगे और सवेरे उठ के हम मेडिटेशन सीखेंगे। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है कभी, हाथ उठाइए, किसने नहीं सीखा है। मेडिटेशन अर्थात राजयोग, और राजयोग अर्थात ये आत्मा बैटरी का उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्शन। हम सब भगवान को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन कभी कभी याद करते हुए मन इधर उधर भटकता रहता है। हम घर का ऑफिस का काम सोचते सोचते वापस आ जाते हैं, लेकिन उतनी देर में हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है। तो जो आत्मा को शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं भरती, क्योंकि हम याद करने बैठे थे लेकिन याद करते करते मन बुद्धि इधर उधर चला गया। इसलिए उस प्यारी सी याद के साथ एक विधि को ऐड करते हैं जिसको कहा जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात आत्मिक शक्ति को बढ़ाना और अपनी स्थिरता और शक्ति को, एकाग्रता को बढ़ाना, जिससे सिर्फ मेडिटेशन के टाइम हम शक्तिशाली नहीं रहेंगे, हम सारा दिन उस स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा बैटरी चार्ज हो चुकी है सुबह। तो एक बार हम मेडिटेशन को सीखेंगे। कौन कौन रेडी है सीखने के लिए? बहुत अच्छा, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी जो आप अपने आप को देंगे, क्योंकि यही वो एक विधि है जो हमारी शक्ति को बढ़ा देगी। और जब शक्ति बढ़ती है शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, काम कारोबार बदल जाते हैं। तो इसलिए सुबह उठकर हम मेडिटेशन करेंगे, जो कि हम कल नहीं परसों से सीखेंगे। और एक और चीज़ हर रोज़ सुबह करनी है कि रोज़ सुबह परमात्मा के महावाक्य 10-15 मिनट घर से निकलने से पहले अपने अंदर ज़रूर भरने हैं। और तीसरी चीज़, सारा दिन में कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म योगी मतलब फरिश्ता, कर्म करेगा लेकिन कैसे करेगा? फरिश्ता स्थिति में। फरिश्तों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करे, फरिश्ता फिर भी दुआएं देता है, फरिश्ता फिर भी प्यार से बात करता है, फरिश्ता फिर भी सम्मान देता है, क्योंकि फरिश्ता देने वाला है। हम सब फरिश्ते हैं। और आखिरी चीज़, किस चीज़ का ध्यान रखना है? अपना अन्न। हम सब सात्विक अन्न खाते हैं, है ना? आप में से कौन कौन टीवी देखता है खाना खाते समय? आप कितना भी सात्विक अन्न खा रहे हो, अगर आपका टीवी ऑन है खाना खाते समय, तो वो सारा सात्विक तामसिक बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सब दर्द, चिंता, दुख, झगड़े सब जले जाते हैं खाने के अंदर। मेडिटेशन हमें एक बहुत सुंदर विधि सिखाता है कि घर में खाना नहीं बनाना, प्रसाद बनाना है। आजकल हमें आदत पड़ गई है बाहर का खाना खाने की, है ना? बच्चे भी बाहर का खाना खाते हैं। जैसा अन्न वैसा क्या होता है? जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा धन होता है वैसा अन्न होता है। तो धन दुआओं के साथ कमाएं और अन्न सात्विक खाएं। कोई ऐसा अन्न ना खाएं जिसमें किसी का दर्द है। किसी के दर्द वाला अन्न हमें खुशी नहीं दे सकता और हमारे शरीर को स्वास्थ्य भी नहीं दे सकता। तामसिक भोजन, किसी की मृत्यु हमारे लिए स्वाद और स्वास्थ्य नहीं बन सकती है। कभी सोचा है वो स्लॉटर हाउस में क्या चल रहा होता है? कितना दर्द होता है, कितनी नफरत होती है, कितना गुस्सा होता है, कितना दुख होता है, और फिर हिंसा होती है, और फिर मृत्यु होती है, और हम कहते हैं ये स्वास्थ्य देगा हमें।
तामसिक अन्न कभी सात्विक मन नहीं बना सकता और कभी स्वस्थ शरीर नहीं बना सकता। उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, हेल्थ नहीं है, क्योंकि वो डेथ के एनर्जी से क्रिएट किया है। सिर्फ 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखना, 3 महीने, 3 महीने के लिए वेजिटेरियन खाना खाएं, मतलब सात्विक अन्न, 3 महीने सिर्फ। और 3 महीने में देखना कि मन भी कैसा फील करता है और शरीर भी कैसा फील करता है, क्योंकि पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी मन और शरीर की, उसमें अंदर से तामसिकता और नेगेटिविटी सारी निकल जाएगी। कर सकते हैं जो जो खाते हैं, क्या कोई हिम्मत रख रहा है आज करने के लिए 3 महीने का एक्सपेरिमेंट? हाथ उठाना, कौन हिम्मत रखता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए? वेरी गुड, करके देखना सिर्फ। अब तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नहीं है। और सात्विक अन्न कैसे बनाएंगे? आज जाके घर पे, सब करना है अपने घर पे, अपने घर जाकर अपनी रसोई के लिए एक अलग से कोई छोटा सा फ़ोन या म्यूज़िक सिस्टम सिर्फ रसोई के लिए रख दो, और उस पे सारा दिन परमात्मा के याद के शब्द और भजन चले हैं, प्रार्थना चले, मंत्र चले, जो प्रवचन चले, जो आपको अच्छा चले, वो आपकी रसोई में चले। आपका अन्न, पानी, अनाज, फल, सब कुछ उन शब्दों से जब भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके परिवार का मन बदल जाएगा, उनका भाग्य बदल जाएगा। रसोई से होता है वो सारा कुछ, इतनी ताकत है रसोई के अंदर। एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं, आप सिर्फ रसोई में परमात्मा की याद में खाना बनाएं, वो शब्द चलें कि वो शक्तिशाली आत्मा है, सफलता निश्चित है, उसका एग्ज़ाम निर्विघ्न होने वाला। आप सिर्फ ये शब्द घुमाकर उनको खाना खिलाएं, उस परमात्मा की याद में वो भोजन बनाएं, आपके बच्चे के 5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है परफॉर्मेंस तो बढ़नी बढ़नी है। करेंगे रसोई में प्रसाद, बनाएंगे प्रसाद, बनाएं, क्यों हम इतना सा प्रसाद खाएं, क्यों ना हम अपना सारा ही भोजन प्रसाद बनाएं, बनाना चाहिए ना। और जब ऐसे चलेगा ना, तो घर का भोजन प्रसाद बनेगा और पानी अमृत बन जाएगा। ये आदत जो हमें नई नई लगी है ना, बाहर से खाना मंगवाने की, हम वो वाली संस्कृति हैं जो घर से डब्बा लेके जाया करते थे, लेके जाते थे ना हम घर से डब्बा, और आजकल हम क्या करते हैं, घर में बैठ कर डब्बा मंगवाते हैं। तो अपनी संस्कृति के विपरीत जाएंगे तो भाग्य भी फिर बदलता जाएगा। तो घर का भोजन खाएं, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन खाएं, और अपने घर में नियम बना लें कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो कोई फ़ोन और टीवी ऑन नहीं रखेगा। करें नियम बना लें अपने घर में, कोई फ़ोन और टीवी ऑन नहीं रखेगा जब घर में खाना बन रहा है, क्योंकि वो शब्द सारे खाने में चले जाते हैं। तो आज से जब अभी घर जाएंगे, खाना खाने से पहले परमात्मा को शुक्रिया करके वो अच्छे वाले संकल्प खाने में डालकर फिर खाएंगे, रात को सोने से पहले मन को साफ करेंगे, कोई भी दाग बचा है उसको साफ करेंगे, परमात्मा को शुक्रिया करके सोएंगे, सुबह उठेंगे पहले उसको याद करके शुक्रिया करेंगे, 10 मिनट कुछ बहुत प्योर शुद्ध कंटेंट अपने अंदर डालेंगे, और सारा दिन कर्म योगी बनकर रहेंगे। 24 घंटे का होमवर्क करते हैं, चलो कौन कौन रेडी? इस 24 घंटे में चाहे कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी, ये 24 घंटे चाहे कोई भी बात आए, हम शांति और स्थिरता से हर बात में रिस्पॉन्ड करेंगे। रेडी 24 घंटे शांति और स्थिरता से करने के लिए? रेडी कौन कौन रेडी? 24 घंटे की गारंटी, पर्सनल गारंटी, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सिर्फ अटेंशन रखना है कि मेरी जो पूंजी है वो है मेरे कर्म और संस्कार। और फिर मेडिटेशन आपने सीखना है ना, तो वो परसों से 1 मार्च से 3 मार्च, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन और 1 घंटा। किस किस के पास 3 दिन 1 घंटा है? हम सबके पास है। और आपको पता है सेंटर कहाँ है? बिल्कुल इधर से पीछे है। 3 दिन 1 घंटा। अब टाइम ध्यान से सुनना, 4 टाइम रखे हैं ताकि आपको जो टाइम सूट करे उस 4 में से आपने वो वाला टाइम सेलेक्ट करना है। पहला टाइम है सुबह 8 से 9, दूसरा टाइम है
सुबह 9 से 10, तीसरा टाइम है शाम को 6 से 7, और चौथा टाइम है शाम को 7 से 8। चार टाइम फिर से रिपीट कर रहे हो, 8 से 9 सुबह, 9 से 10 शाम को, 6 से 7 और शाम को 7 से 8। इन चारों टाइम में से कोई भी एक टाइम चूज करना, सिर्फ 3 दिन के लिए है। कौन रेडी है करने के लिए इस चारों में से कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके? अब हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। ये 3 घंटे अपने को गिफ्ट ज़रूर देना, नहीं तो आज का डेट लिख कर रखना। अगर हमने मेडिटेशन सीखकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू नहीं किया तो आप अगले साल आज के ही डेट पर फिर चेक करना, आपकी शक्ति आज जितनी है उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी सी घटेगी। अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे नहीं तो वो अपने आप थोड़ी सी घटेगी, क्योंकि वातावरण बहुत तीव्र गति से दूषित हो रहा है और उस वातावरण का हम पर प्रभाव आ रहा है। तो हम अपने परिवार के लिए शक्ति कमाएंगे तो परसों से 1 से 3 मार्च सुबह 8 से 9, 9 से 10, 6 से 7, 7 से 8। अब एक और बात, अगर किसी को ये चारों टाइम सूट नहीं करते तो फिर जो भी टाइम आपको सूट करे उतने बचे। अब कोई मेरे को बहाना दो, हमारे पास टाइम नहीं। और अगर आपको 1 से 3 मार्च ये 3 दिन ना सूट करे तो आपको जो दिन जो टाइम सूट करे उतने बचे। अब कोई बहाना नहीं देना, अब कोई बहाना नहीं देना, ताकि जीवन में चलते चलते अपने परिवार के या और किसी के भी कोई भी बात आए तो हमारे पास इतना स्टॉक हो कि सिर्फ हम अपने परिवार को नहीं औरों को भी शक्ति देकर उनको भी उनके दुख से निकाल कर सुख में लेकर आएं। हम विघ्न विनाशक आत्मा, दुख हरता सुख करता आत्मा बन जाएं। ठीक है, पक्का पक्का? चलो अभी साइलेंस में बैठ के 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। फिर से मेडिटेशन हमें सोचने का तरीका सिखाता है, मेडिटेशन परिस्थिति आने पर सही सोचने की शक्ति देता है, मेडिटेशन परमात्मा के साथ एक बहुत पर्सनल रिश्ता बनाता है, हर प्रश्न का उत्तर उससे मिलता है, हर निर्णय लेने की शक्ति उससे मिलती है। और आज हम इस 2 मिनट के बाद जब उठेंगे तो जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे, और हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल मौन में, ताकि हमने जो कुछ अपने अंदर भरा है वो हमारे अंदर गहराई से चला जाए और हमारे जीवन का, हमारे संस्कारों का एक हिस्सा बन जाए। यहाँ से घर तक मौन में, फरिश्ते लाइट अपनी स्कूटर गाड़ी निकालेंगे, लेकिन साइलेंस में। सिर्फ बहुत 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 ज़रूरी होगा तभी थोड़ा सा हॉर्न बजाएंगे, नहीं तो बिना हॉर्न बजाए घर तक पहुँचेंगे। जब मन शांत होता है तो गाड़ी चलाने के तरीके बदल जाते हैं। तो बिल्कुल मौन में सीधा होकर बैठे, फरिश्ते लाइट वाइट प्योर शक्तिशाली, और फिर से अटेंशन ब्रिक्विटी के बीच, मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं आत्मा माइट हूँ, मैं आत्मा अपने घर का दिया हूँ, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ, मैं अपने परिवार का आधार मूरत हूँ,
मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, हर परिस्थिति में शांत, स्थिर, शक्तिशाली, चाहे कोई भी बात आ जाए, मैं शक्तियों से संपन्न आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी स्थिति से, शक्ति से दूसरों के दुख भी खत्म हो जाते हैं। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। बात छोटी, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरे मन की स्थिति पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। संयम, स्थिरता मेरा संस्कार है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प से मेरी जीवन, मेरी दुनिया बनती है। संकल्प से सृष्टि बनती है। पुरानी बातें खत्म, सबको दुआएं, सारी पुरानी बातें आज इस ग्राउंड में स्वाहा करके जाती हूँ। मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं बेदाग हूँ, फरिश्ता वाइट लाइट उड़ता हुआ, इतने लाइट कि सारा दिन उड़ रहे हैं खुशी में। मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब सात्विक। मेरा अन्न प्रसाद है, पानी अमृत है, मेरा घर स्वर्ग है। मैं सत्योगी दिव्य आत्मा हूँ। मैं सत्योगी दिव्य आत्मा हूँ। सबको देने वाली आत्मा। और परसों से मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है, एक घंटा खुद के और परिवार के लिए शक्ति कमाने का तरीका। फिर आंधी आए या तूफान, मेरा परिवार मजबूत है, फाउंडेशन शक्तिशाली है, हमें कुछ नहीं हिला सकता। मैं अपने परिवार का दिया हूँ, सबको देने वाला दिया, लाइट हाउस फरिश्ता हूँ।
यहाँ से फरिश्तों की तरह उठेंगे जैसे जैसे बताया जाएगा, और घर तक मौन में चलेंगे। सबसे पीछे की पांच लाइनें उठेंगे, सबसे पीछे की पांच लाइनें उठें और सबसे आगे की पांच लाइनें उठें। सबसे पीछे, सबसे आगे, बिल्कुल मौन में, माइंड लाइट, बॉडी लाइट। पीछे से और पांच लाइनें उठें, घर तक मौन में चलेंगे। आगे से और पांच लाइनें उठें, पीछे से और पांच लाइनें उठें। मौन शक्ति बढ़ाता है, मुख और शब्दों पर संयम लाता है, शब्दों को आशीर्वाद बना देता है। पीछे से और पांच लाइनें उठेंगे, बिल्कुल साइलेंस, मन शांत स्थिर, शरीर भी लाइट। और इसी स्थिति में घर तक चलना है। हमारी वाइब्रेशन वो प्रसाद है जो हमारे साथ घर जाएगी। ये वो शक्ति है जो घर जाकर दूसरों की शक्ति बन जाएगी। ये मेरे घर को स्वर्ग बनाएगी। ये शक्ति मैंने रोज बनानी है। सिर्फ घर सुंदर नहीं, घर ऐसा बनेगा जो सबको सुकून मिलता है। मैं वो फरिश्ता हूँ बिल्कुल मौन में, इसी तरह अपना गाड़ी स्कूटर निकालते हुए, दूसरों को सहयोग देते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए। 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन कर्म सही हो, कर्म श्रेष्ठ। रिकॉर्ड हो रहा है।